हमारे घर में को बेचारे वाला नहीं, मैं 83 साल का बूढ़ा, एक मेरा लड़का है, उसको दोनों किडनी खराब होते उठे पंजाब ने, एक बहू बेचारी कुछ सामान बचा गई है, पिछले महीने खरीद लिया था वो भी खराब हो गया, कम कम जी 1-1.25 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया। ये देखो अंकल जी बैठ देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को जितना भी सबका नुकसान हुआ है मुआवजा देना चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, सर्वे अभी होना चाहिए, बाद में सर्वे करके क्या करेंगे, अभी फायदा है जी, बाद में तो गई नहीं है, जोड़ते फोटो खिंचवा लेते हैं। हां हां मम्मी जी हमारा खाना ठीक है, गवर्नमेंट से तो उम्मीद है, क्योंकि हां हजार पे जब आते हैं जब इतना आप आओगे हमारे तो वोट कट गए, आज तू भी चल, ये तो बाद में आया, बाद में आए तो सुनाई सभी मकानों का एक बार लिस्ट बना के सर्वे कर, ये कुछ है पहले इस डिमांड से कल भी कहा है, मतलब घरों में तो जाओ एक बार देखो, सरकार से कह के इसकी मदद करवाते हैं, बिल्कुल खराब आ रहा है। सभी घरों का मैंने दौरा किया और इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है और गृहिणी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना नुकसान और कैसे इस की भरपाई होगी, ये प्रशासन की फेलियर है, ये पानी यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, ये बूस्टर नहीं चले, कुछ नहीं चले, उस हिसाब से देखा जाए तो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की कि इनका तुरंत सर्वे करके और कंपस यहाँ प्रिवियन कराया जाए, डीसी कहता है कि इससे यहाँ पर तो मैंने सर्वे के लिए टीमें भेज दी हैं, कोई आपकी टीम आई है, कोई आदमी सर्वे करने के लिए आया है, कोई भी आदमी सर्वे करने के लिए नहीं आया है, और एसडीएम भी कह रहा है कि सर्वे के लिए गया है, मैं दोबारा अपने दफ्तर जाके पूरे कॉरेस्पॉन्डेंस अभी करता हूँ इस बात के लिए, और सबका सर्वे होना चाहिए और सरकार को सबको सबकी जो कंपनसेशन है वो तुरंत देना चाहिए किसी हालत में, और ये ज्यादती किसी हालत में बर्दाश्त नहीं, किसी हालत में देखो ये सारी बेटियां खड़ी है, सभी 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 की व्यथा देखी नहीं जाती है किसी हालत में, इतनी बुरी व्यथा है, इतना बुरा नुकसान, इतना प्रशासन का फेलियर, और ये बूस्टर भी अब मैंने देखा कि बूस्टर भी चल नहीं रहा है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनियों का तो भरमार है यहाँ पर, सारी की सारी अनऑथराइज कॉलोनी, और वहाँ पर सड़कें बनी हुई है, ये सड़कें कॉर्पोरेशन ने बनाई है, ये बिल्डर ने बनाई है, ये भी इस बार देखने की बात है, ये कैसे रजिस्ट्री हुई, कैसे अनऑथराइज कॉलोनी कट गई, और ये अभी कटी लगती है, सब कुछ कटी लगती है, अभी बना भी नहीं है, बेटियां यही बता रही है कि कॉलोनी बना हुआ है और ये कॉलोनी सारी अनऑथराइज कटी हुई है, और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और इस समस्या का अब के बाद दोबारा इस कॉलोनी में पानी किसी हालत में नहीं आना चाहिए।